हेलो दोस्तों, SPA क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास लेकर आए हैं, मैथ को बता रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, जो आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, कई प्रकार के सवाल हैं और किसी एक प्रकार से ना होकर कई प्रकार के बने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के CICI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, यानी 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3,200 रुपये है, तो दर क्या है। अब हमें दर पूछा हुआ है, तो दर को निकालेंगे कैसे निकालेंगे। यह साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर दे दिया हुआ है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 1 साल का कोई अंतर नहीं होता है, दूसरे वर्ष से अंतर होने लगता है। तो दूसरे वर्ष से अंतर होने लगता है, उसी अंतर को दिया हुआ कि 3,200 रुपया दूसरे वर्ष से है, तो दर क्या है। अब देखिए, इसका एक इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक में है, बहुत आसान सी ट्रिक है, PR² / 100। यह जो कोष्टक है वो यहाँ से लेकर नीचे तक है, अब इसी पर लगाएंगे। पी का मतलब क्या है, पी बराबर मूलधन है। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब दर है, हमें दर ही ज्ञात करना है। और यह मूलधन दिया हुआ है 2 वर्ष, और यह सूत्र मात्र 2 वर्ष के लिए ही लगता है। 2 वर्ष से ऊपर का देगा तो यह सूत्र बेकार हो जाएगा, यह सूत्र 2 वर्ष के लिए ही लगता है। तो 2 वर्ष के लिए, यहाँ 2 वर्ष दिया इसलिए इस सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है। मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपये है, दर हमें ज्ञात करना है, और 100 को डबल से गुणा कर देंगे। और यहाँ देखिए सूत्र में, यहाँ जो दर है ये रेट है, यह रेट है, तो यहाँ पर रेट की जगह दर यहाँ पर डिस्काउंट देता है, जो दोनों का अंतर होता है ब्याजांतर। आगे लिखेंगे ब्याजांतर, जो ब्याजांतर होता है, जो ब्याजों का अंतर होता है, ब्याजांतर बराबर मूलधन गुणे दर का स्क्वायर 100² इसी सूत्र पर लगेगा। और यह सूत्र मात्र 2 वर्ष के लिए ही लगता है। तो देखिए यहाँ पर बराबर ये 32 रुपये जो हमें ब्याज दिया हुआ है, ब्याज का अंतर इसी बेस पर हम लगाएंगे, तो यहाँ 100 से गुणा होगा। देखिए यहाँ लिखने में थोड़ा सा फॉल्ट है, तो 4 शून्य हो जाएंगे। अब देखिए कितना होगा, इससे 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और 3 शून्य है, 3 शून्य कट गए, 5 से काट देंगे, 5 दूनी, अब हमारा क्या आ गया, 32 बराबर R² / 2 है। तो यह तिर्यक गुणा हो जाएगा, 32 × 64 = R². तो यहाँ स्क्वायर दिया हुआ, हमें R का मान ही ज्ञात करना है, तो R बराबर यह स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 8 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो R² = 64, देख रहे हैं, तो 8 × 64 हो जाएगा। हमारा दर रेट कितना आया, हमारा रेट 8 आ गया। 8% विकल्प नंबर 2 में दिया हुआ है, विकल्प नंबर 2 सही है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ अगला प्रश्न दिया हुआ है, 30 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटा काम करके 16 दिनों में समाप्त करते हैं। 30 पुरुष हैं, 5 घंटा काम कर रहे हैं रोज़ाना, किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। 40 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पहले 30 पुरुष थे, 5 घंटा काम कर रहे थे, 16 दिन में समाप्त कर रहे थे। अब 40 पुरुष हैं,
प्रतिदिन 6 घंटा काम कर रहे हैं, कितना दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखिए एक यहाँ पर सूत्र है, देखिए यहाँ पर एक सूत्र है जो टीवी पर अक्सर प्रचार करता मसाले का, MDH मसाला। MDH मसाला है तो MDH सूत्र भी है, और MDH बटे W1 वर्क देता है, W2 वर्क देता है। MDH मसाला घर में प्रयोग होता है, इसलिए MDH मसाले के प्रयोग पर ही सूत्र सवाल को लगाइए। तो यहाँ MDH का मतलब M1D1H1, और यहाँ पर M2D2H2। तो जो पहले वाला है यहाँ पर यम से मैन हो गया, यह M1 हो गया, और यह H1 हो गया, और यह यह दिन है D1 हो गया। तो यहाँ पर दिया हुआ 30 पुरुष, M1D1 16 दिन, और H1 5 घंटे, कोई भी कार्य करते बटा एक कर दीजिए। अब यहाँ आगे दिया है M2 यानी 40 पुरुष, 6 घंटा काम करके हमें D1 D2 ज्ञात करना है बटे W। W का मतलब एक यहाँ भर ही है और एक यहाँ भी है, W1 W2 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इस चिन्ह के आधार पर इसको काटा जा सकता है। देखिए कौन किससे कट रहा है, अब इससे काटेंगे तो 6 से काट देंगे, 6 5 हो गया, अब 5 से काट देंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, 8 से काट देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो यहाँ 5 बच गए या 5 पहले से है, तो कितना दिन आ जाएगा हमें यह ज्ञात करना है। अब देखिए जब हम काट रहे हैं तो काटने पर देखिए क्या होता है, तो यहाँ काटने में जब 8 से काटें तो यहाँ 2 आ जाएगा, 8 × 16 हो गया, यहाँ पर बचा कितना है 2 × 5, 5 × 2 = 10 दिन, ये 10 दिन में कर लेंगे। अब देखिए M1D1H1 बटा W1, M2D2H2 बटा W2 के बेस पर लगाएंगे तो यह सवाल हल हो जाएगा। 30 पुरुष M1, 5 घंटे H1, 16 दिन ये D1, 40 पुरुष M2, 6 घंटे H2, D2 हमें ज्ञात करना है, तो 30 × 16 × 5 बराबर 40 × 6 × D2, 6 से काट दिया यहाँ पर 5 आ गया, 5 से काट दिया 40 को 8 आ गया, 8 से 16 काट दिया 2 आ गया, 2 से 5 में गुणा कर दिया 10 दिन आ गया। तो इस तरीके से इसको हल किया जा सकता है। 10 दिन हमारे पहले विकल्प में दिया हुआ है, विकल्प नंबर 1 ही सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, 16 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में समाप्त करते हैं, 3 गुना कार्य को, पिछले सवाल में गुना नहीं दिया था, यहाँ 3 गुना कार्य को 24 दिन में 8 घंटा प्रतिदिन करें तो कितने पुरुष समाप्त करेंगे? यानी हमें जो दिया हुआ है M1H1D1 / W1 बराबर M2D2H2 / W2। अब इस बेस पर हमारा सवाल लगेगा, तो यहाँ दिया हुआ 16 पुरुष 8 घंटे 12 दिन में काम 1 है, और यहाँ दिया हुआ 24 पुरुष 24 दिन दिया हुआ 8 घंटे हमें M2 ज्ञात करना है बटे यहाँ वर्क 3 है, 3 गुना वर्क है, तो वर्क 3 हो गया, तो ये पक्षांतर करेंगे इसका इससे गुणा हो जाएगा। अब देखिए काट दीजिए, 8 का 8 से कट सकता है, 12 को काट दीजिए, 12 × 2 हो गया, 2 से काट दीजिए यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से जब काटेंगे तो 8 आ गया, 8 और 3 का आपस में गुणा होगा, 8 और 3 का जब गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24, यही 24 पुरुष अगर काम करेंगे, 24 पुरुष 8 घंटे काम करेंगे 24 दिन में समाप्त हो जाएगा,
इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो विकल्प नंबर दो में ही हमारा उत्तर है, विकल्प नंबर दो में ही हमारा उत्तर है। विकल्प नंबर दो में 24 पुरुष दिया हुआ है, हमारे उत्तर में भी 24 पुरुष आया है। तो यहाँ M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2, यानी M1 का मतलब 16 पुरुष हो गए और H1 का मतलब 8 घंटे हो गया, D1 का मतलब 12 दिन हो गया। तो 16 × 8 × 12 बटे 1 हो गया, काम 1 है। अब यहाँ M2 हमें पुरुष ज्ञात करना है और D2 24 दिन दिया हुआ है, H2 8 घंटे दिया हुआ है और गुना W2 हमें 3 गुना दिया हुआ है। 3 गुना जब दे रहा है तो इसको हल करेंगे, तो बटे 3 हो गया, काटेंगे 3 से इसको काट देंगे 8 हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब फिर उसके बाद बचा हुआ है यहाँ, तो काट के हल करेंगे। देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 2 से इसको काट दिया 8 आ गया, 8 तरीके 24, 24 पुरुष आ गया, यही हमारा उत्तर होगा। तो अब आज यही वीडियो समाप्त हो रही है। यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब से पैसे नहीं कटते हैं। एक लाइक ज़रूर दान दीजिए और एक सब्सक्राइब दान दीजिए। अगर कहीं फॉल्ट है तो कमेंट भी करते रहिए। धन्यवाद।